एक में जो प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न संख्या एक में उनको द्विघाती सूत्र के माध्यम से हल ज्ञात करना, उनके मूल जो हमें द्विघाती सूत्र के माध्यम से ज्ञात करने। तो ठीक है, द्विघाती सूत्र के प्रयोग से कैसे होगा, इसका फर्स्ट का सेकंड ले लेते हैं। फर्स्ट तो हमने कर लिया था उससे गुण वगैरह बना करके, 2x2, अरे आवाज नहीं, 2x2 प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 2x2 प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र के माध्यम से, द्विघाती सूत्र क्या है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, द्विघाती सूत्र, जहां a बराबर तो कितना है 2 एक्स त्रिकोण, b बराबर कितना है 1 और c बराबर कितना है माइनस का 4। अब रख दो इसमें माइनस, पहले माइनस है तो माइनस ऐसे करो, b का मान 1 है तो 1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा माइनस का 4 बटे में 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 1 का वर्ग 1 और ये माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, 4 चौक 16, 16 गुणा 32 बटे 2 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 33 और डिवाइड बाई 2। तो एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान एक बार तो प्लस में लिखेंगे तो माइनस 1 प्लस रूट 3 बाई 2 और माइनस 1 माइनस रूट 33 बटे ये मान आ गया। इस प्रकार से हम उसको हल करें, तो द्विघाती सूत्र के प्रयोग से आराम से हल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सर वहाँ पे एक नहीं वहाँ पे 2 आएगा, वहाँ पे एक का मान 2 लिखा हुआ है ना। सर नीचे नीचे आएगा, चार हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड पर्सन तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरे का प्रश्न देखिए कि x माइनस वन अपॉन x इक्वल टू 3, x माइनस वन अपॉन x इक्वल टू 3 जहां x नॉट इक्वल टू 0 0 अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब इस प्रकार का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं, पहले तो इसको द्विघात समीकरण बनाओ, द्विघात समीकरण नहीं है ये तो द्विघात समीकरण बनाओ। तो देखिए पहले तो क्या करेंगे, इसमें लघुत्तम लेंगे, दोनों में क्या लघुत्तम आ रहा है एक्स, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स का भाग एक्स में एक बार, एक को एक माइनस एक से गुणा करें तो माइनस एक और बराबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x हो गया, एक्स स्क्वायर 3x को इधर ले लो माइनस 3x और माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये द्विघात समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण हो गया ना। अब इसको यस सर करना आराम से, तुरंत खड़ी जैसे वो से द्विघात सूत्र से कर लो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a माइनस बी का मान कितना है माइनस 3 है, तो ध्यान देंगे इसको ब्रैकेट में रखेंगे आप, अरे भाई माइनस 3 है तो माइनस 3 लिख दें आप, गलत हो जाते हैं, पहले से भी माइनस दे रखा है इसमें प्लस माइनस, यहाँ पर ज्यादातर गलतियां करते हैं कि पहले माइनस है बी का मान भी और फिर ये माइनस है तो इस माइनस को हटा देते हैं, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा माइनस 1 बटे में 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो गया क्या, प्लस माइनस 2 माइनस 3 का वर्ग 9 माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो प्लस 4 एकम 4 बटे में
तीन प्लस माइनस नौ चार कितने हो गए बटे दो। अब x बराबर दो मारा गया तो थ्री प्लस रूट तेरह बटे दो और थ्री माइनस रूट तेरह बटे दो, ये दो मारा गया। इस प्रकार से हम इसको हले करते, दोनों को नोट करो। क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछा ना आपने बेटे, से पहले थोड़ी को इस क्वेश्चन बताना है। नो सर। ओके, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 40 मीटर अधिक लंबा। एक आयताकार खेत की बात कर रहा है कि आयताकार खेत का विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो छोटी भुजा के तुलना में इसमें कहा है, तो आप क्या कहेंगे, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा एक्स एक्स मीटर, कितनी है एक्स मीटर। छोटी भुजा को हमने क्या मान लिया, एक्स मीटर मान लिया। अब खेत की बड़ी भुजा कितनी है, इससे कितनी छोटी भुजा से कितनी लंबी है, 30 मीटर अधिक है ना। यस सर। अरे 30 मीटर अधिक है ना, तो इस छोटी यस सर, तो ये कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस तीस। और आयताकार खेत का विकर्ण मीटर। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से भाई विकर्ण बन रहा है, ऐसे बनता है, ये आयताकार है, ये छोटी भुजा हो गई, ये बड़ी भुजा हो गई, ये विकर्ण हो गया। तो यहाँ आयत में क्या होता है, प्रत्येक कोण का 90 डिग्री कोण बनता है कि नहीं बनता है, 90 डिग्री का। ये एक्स हो गया, ये एक्स प्लस तीस हो गया और ये एक्स प्लस साठ, समकोण त्रिभुज बन गया। नहीं, और समकोण त्रिभुज का लंब होता है पाइथागोरस प्रमेय, इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर, यस सर। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का, आधार छोटी भुजा का वर्ग प्लस बड़ी भुजा का वर्ग, वर्ग होगा बराबर। यस सर। कर्ण कितना है, एक्स प्लस साठ का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस तीस का। एक्स प्लस साठ का मतलब एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस साठ का वर्ग कितना हो गया, 3600। यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस तीस गुना साठ एक्स प्लस साठ 900। एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर उधर ले लो, पक्षांतर कर लो, तो जीरो इक्वल टू यहाँ क्या एक्स स्क्वायर है प्लस साठ एक्स है प्लस 900 है, इधर से माइनस एक सौ माइनस का 120 है और माइनस के 36। एक्स स्क्वायर माइनस साठ के प्लस के और 120 माइनस के, तो माइनस के 60 एक्स बच गए ना। यस सर। यस सर। तो घटा दो तो 2700।
पक्ष बदल दो, इस पूरे पक्ष को इधर लिया और उसको उधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस साठ एक्स माइनस 2700 बराबर जीरो, ये हो गया। अब इससे अपने क्या निकालना है, गुणनखंड करना है इसका। गुणनखंड कर लो या द्विघात सूत्र चल कर लो, कैसे भी कर लो। तो a बराबर तो कितना है यहाँ पर, एक। b बराबर कितना है, माइनस साठ, माइनस के साठ। बराबर कितना है, माइनस के 2700। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, माइनस फोर ए सी टू ए, ठीक है। ये हो गया, b का मान कितना है, माइनस, और ये माइनस माइनस साठ, साठ माइनस साठ का स्क्वायर चार गुणा ए, कितना एक इंटू माइनस के 2700 बटे दो इंटू एक, एक माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया क्या, यस सर। माइनस साठ का मतलब छत्तीस सौ, छत्तीस सौ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस दो जीरो सात सात दो आठ दो दस, दस बटे दो दो। सिक्सटी प्लस माइनस, देखिए छत्तीस सौ प्लस कितना हो गया, जीरो जीरो आठ और छह चौदह हासिल की एक तीन रेक चार, ये आ गया बटे दो। साठ प्लस माइनस इसका कितना हो गया, एक सौ बीस, एक सौ बीस। हाँ, इसका वर्गमूल कितना हो गया, एक सौ बीस हो गया, और बटे में दो। अब x की वैल्यू x बराबर 60 प्लस 120 बटे 2, एक बार तो प्लस का 120 लेंगे एक बार माइनस का, तो कितना हो गया 180 बटे 2, कितना आ गया 90। और x बराबर 60 माइनस 120 बटे 2, माइनस के 60 बटे 2 माइनस के 30 आ गया। तो देखिए लंबाई जो भी होती है किसी की भी पूजा की लंबाई, तो वो माइनस में तो नहीं होती ना, तो ये वाला मान क्या हो जाएगा, नगण्य। इसलिए क्या हो गया, अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा कितनी आ गई, 90 मीटर, ठीक है। इसलिए बड़ी भुजा क्या थी, 90 प्लस 30 कितना, 120 मीटर। और विकर्ण 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 150 मीटर, उतार लो।